मैं वाजे तौर पर कहना चाहता हूं, हमारा प्रोग्राम जूं का तूं है। इंशाल्लाह कल बरोज़ 25 तारीख इमरान खान काफ़िले की क़यादत करते हुए इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। पंजाब के कारकुनान से दरख्वास्त है, गिरफ्तारी से बचें, अंडरग्राउंड हो जाएं, रिश्तेदारों के घर मुंतकिल हो जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मिलती है, जो सवारी मिलती है उसका सहारा लेकर इस्लामाबाद पहुँचे, बाहर सूरत पहुँचे। फ़र्ज़ कीजिए आपकी कोशिश के बावजूद आपको सवारी दस्तियाब नहीं होती, इंटरनेट के रबते मनकता कर दिए जाते हैं, पेट्रोल डीजल नायाब हो जाता है, तो फिर आखिरी हरबा फिर होगा कि हर शहर, हर चौक, हर चौराहा श्रीनगर हाईवे बन जाए। पीटीआई की पॉलिसी तसादुम की न थी न है। आपने देखा जितनी हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई वो रमन थी, एक शीशा नहीं टूटा, एक गमला नहीं टूटा, लाखों के इज्तमात हुए, मजमे हुए, रैलीज हुई, बाइक रैलीज हुई, कार रैलीज हुई, कहीं कोई नुकसान, कहीं कानून आए, बात की और मुंतशिर हो गए। ये हमारा एक हमारी हिकमत अमली रही है। आज भी हमारी पॉलिसी वो है। हम इस्लामाबाद क्या करने जा रहे हैं? हम इस्लामाबाद फतह करने नहीं जा रहे हैं, हम वहाँ जंग के लिए नहीं जा रहे हैं, वहाँ हम हुकूमत को एक बावकार आईनी कानूनी और जमहूरी रास्ता दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि मुल्क का निज़ाम मफलूज होकर रह गया है, मईशत आए रोज़ ज़बूं हाली का शिकार हो रही है और हुकूमत फैसले नहीं कर पा रही। मिफ्ता इस्माइल साहब बाहर बैठे हैं दुआ में, जो है मज़ाकरात आगे नहीं बढ़ पा रहे। पंजाब में एक ऐसी हुकूमत है जिसके पास आईनी कानूनी जवाज़ नहीं है। इन हालात में बलूचिस्तान में एक अजीब कश्मकश है, अदम एतमाद की बातें हो रही हैं। इन हालात में वाहिद आईनी रास्ता नए इंतखाबात हैं। हमारा मुतालबा है फिल फॉर नए इंतखाबात करवाए जाएं, शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं, लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। लाइक करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।